सदियों से वोट बैंक बनकर रहा स्वर्णकार समाज अब जागरूक होकर अपनी राजनीतिक भागीदारी को लेकर लखनऊ में यूपी के सभी जिलों सहित देश भर के सभी प्रांतों से करीब 500 की संख्या में स्वर्णकार समाज के लोगों ने पहुंचकर अपना नेता चुना और सामाजिक चेतना रैली कर आगामी दिनों की रणनीति तैयार की। आइए सुनते हैं नेता चुने गए मनीष भाई को, जिनकी एक आवाज पर इकट्ठा होने आए देश भर के स्वर्णकार समाज। हम अपने स्वर्णकार समाज हमारा एक महारैली करके बहुत बड़ी महारैली करके हम अपनी एक ताकत दिखाने एक एकता का एक संदेश देने जा रहे हैं और जिससे चाहे वो किसी भी दल जो राजनीतिक दल है उनको ये सोचना होगा कि स्वर्णकार समाज हम जाएंगे और उसको उसके गाड़ियों की जरूरत है। और तेलमुखा में तो हमारा है कि हम सबसे पहले संगठित होकर के अगर कोई पार्टी हमारे कार्यों को नहीं लेगी तो स्वर्णकार समाज खुद एक अपनी पार्टी बना कर और अपने कार्यों को प्राप्त करने की दिशा में चलिए। स्वर्णकार समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि स्वर्णकार समाज अगर अपने अधिकारों को पाना है और अपने बच्चों को भविष्य सुरक्षित करना है तो संगठित होना पड़ेगा। और खैर आज हमारी पूरी जनसंख्या 70 जिलों से लोग आए और प्रदेश से नहीं और प्रदेश के बाहर से बिहार और महाराष्ट्र और पंजाब जैसे जगह से लोग आए बताने के पर्याप्त है कि आप स्वर्णकार समाज के अपने अधिकारों के जागरूक है। आज के कार्यक्रम में 300 के लगभग जनसंख्या हमारे पहले कार्यक्रम में 170 से ज्यादा लोग आए थे।